A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying analysis of 2023 examinations for English literature for class 12 ISC. और हम लोग इसका second part पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग long answers के बारे में discuss करेंगे. Long answers में जो 2023 का paper हुआ था, उसमें सबसे पहले long answer was of Tempest, जिसमें It was referring closely to Act 3, Scene 3. Relate the stern warning, the strict warning, जो Ariel ने दी थी to the three men of sin. Okay, and what impact does this warning have on the three sinners? अब यहाँ पर एक चीज समझो कि पांच नंबर का पेपर है. It was divided into two parts, so हम दोनों parts को equal weightage देंगे. ठीक है, ढाई ढाई marks का weightage देंगे हम दोनों को. तो इट कैन नॉट बी एक्सटेंड टू मोर देन 1.5 पेजेस. सेवन मतलब एक पैराग्राफ, वन और टू पैराग्राफ या पॉइंट्स में अगर आप लिखते हो वेल एंड गुड, तो वैसे करके लिख के 4-5 पॉइंट्स उसके और 4-5 पॉइंट्स उसके. ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो एनालिसिस है वो समझेंगे कि द क्वेश्चन इज देयर व्हाट थिंग्स आर देयर दैट वर डन इन 2023 और आपको वो नहीं करनी है, वो हम लोग इसमें समझेंगे इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, दैट वाज आंसर्ड करेक्टली. सेकेंड पार्ट में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लग रही थी कि इंसान मतलब जो भी हार्पी आया था, तो उसका थ्री सिनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था. कई कैंडिडेट्स को इम्पैक्ट हैव नॉट बीन एबल टू राइट द इम्पैक्ट ऑफ द स्टर्न वार्निंग. हार्पीज एरियल्स वर्ड्स ऑफ वार्निंग वर नॉट करेक्टली रिपीटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्वेट सीन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर एरियल एज हार्पी आता है. देयर वॉज अ लॉट ऑफ सर्कुलेशन, जनरलाइज्ड आंसर्स बहुत ज्यादा थे वहां पर. मेनी कैंडिडेट्स फोकस्ड ऑन द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द बैंक्वेट, जो कि पूछा भी नहीं गया था. ठीक है, हार्पीज वर्ड्स ऑफ वार्निंग वर जस्ट ग्लांस्ड एट, कि दो लाइन में बता दिया कि हाँ उन्होंने गलत किया है, बट ये उसने नहीं कहा था. हार्पी के वर्ड्स आपको बहुत ही नाइसली वेल कोटेड टेक्स्ट के साथ बोलने थे. देन इम्पैक्ट ऑन अलोंसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन भी नहीं था. कई लोगों ने जो थ्री सिनर्स थे उनका नाम ये डाल दिया था, बट एक्चुअल में वो कौन थे, देवर एंटोनियो, सेबेस्टियन एंड अलोंसो. तो दीज वर द मिस्टेक दैट यू आर नॉट सपोज टू डू. अभी हम लोग इसका आंसर भी पढ़ेंगे. दूसरा हिस्सा क्या कहता है कि ओके, तो वील चलो आंसर ही पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि एरियल अपियर्स एज अ हार्पी, फ्लैप्स हिज विंग्स, ऐसे करके वो अपने विंग्स को करता है, एंड देन द बैंक्वेट डिसअपियर्स. वो एड्रेस करता है थ्री मैन ऑफ सिन को अगेंस्ट प्रस्पेरो एंड मिरांडा, मतलब जो जिन्होंने उनका जो सिन था वो किया था, अपना जो पाप था वो उन्होंने किया था. और वो बोलता है दैट नेचर हैड मेड एंग्री एंड दे हैड कास्ट अशोर ऑन एन इनहैबिटेड आइलैंड, क्योंकि दैट वाज नेचर हु वाज एंग्री ऑन देम. अलोंसो अपना सन खो चुका है एंड द अदर्स आर सब्जेक्टेड टू एग्नी, मतलब बहुत सारा पेन, दुख दर्द, पीड़ा उनको बहुत ज्यादा है. दे वुड सफर लिंगरिंग परडिशन एंड वुड बी स्पेयर्ड इफ दे लेड क्लियर लाइव्स एंड शोड रेपेंटेंस. और उनको क्या बोला जाएगा कि मतलब उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, एंड वुड बी स्पेयर्ड, सिर्फ तब वो बच जाएंगे जब वो कुछ सॉर्ट ऑफ पश्चाताप शो करेंगे. इसका इम्पैक्ट बोला गया है, अलोंसो शॉक्ड था एंड हॉरिफाइड था एंड एक्नोलेजेस हिज रॉन्ग्स एंड एक्सेप्ट That he had lost his son. वो इसका impact था कि हाँ ठीक है, वो accept करता है कि मैंने गलत किया है. Sebastian and Antonio बहुत ज़्यादा desperate होते हैं and they seek to challenge them. And Gonzalo's comment on the their state must be mentioned. और Gonzalo ने जब इन्होंने ये बोला, तो Gonzalo ने उस पर क्या बोला था कि हाँ ठीक है, हम लोग भी उनका पीछा करेंगे, क्योंकि वो लोग इस स्थिति में नहीं है कि they should be left alone. तो ये जितना भी पार्ट्स था वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी. तो यू कैन सी हियर कि 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स इसके दिए हुए एंड अ फ्यू पॉइंट्स, अभी तो 2 पॉइंट्स है लेकिन ये गोंजालो का भी हिस्सा होगा, तो 3 to 4 पॉइंट्स इसके भी आप मेंशन करोगे. ओके, तो दिस इज योर आंसर. 1.5 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट्स में अगर आप लिख रहे हो या फिर पैराग्राफ्स में लिख रहे हो, पॉइंट्स वाला केस जो है वो ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू paragraphs. Then next one, with close reference to Act 5,
डिस्क्राइब हाउ प्रस्पेरो ने ये हिल्स ब्रूक्स ग्रोव्स को यूज किया था अपने मैजिकल एक्ट में, एंड व्हाट डज ही फाइनली डिसाइड टू डू अपने मैजिकल पावर्स के साथ, वो क्या करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ 5 मार्क्स आंसर, जिसमें सबसे पहले इसका पार्ट दिया हुआ है कि एनालिसिस के हिसाब से दैट अक्वेंटेंस विद एक्ट 5 ऑफ द प्ले जो था वो बहुत कम था, मतलब पीपल हैव नॉट स्टडीड इट मच, तो आप प्लीज उस पर फोकस करो। बहुत फ्यू कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एक्यूरेटली नरेट किया था कि विच एक्ट्स ऑफ मैजिक प्रोस्पेरो स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द एक्ट। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट एबल टू स्पेसिफिकली राइट कि प्रोस्पेरो का एड्रेस टू हिल्स ब्रूक्स एंड ग्रूव्स क्यों था बिफोर ही ऑब्जर्व्ड हिज मैजिक। ये मतलब मतलब स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू टेल कि उन चीजों को या उन एलिमेंट्स को उन्होंने उसने कैसे यूज किया है। इंस्टेड उन्होंने रैंडम पॉइंट्स लिखे कि हाउ द स्पिरिट्स हेल्प्ड हिम क्रिएटिंग म्यूजिक लियो फर्डिनेंड एंड गेव रेफरेंस टू द मास्क ऑफ द बैंक्वेट। करेक्ट टेक्सुअल डिटेल्स वर मिसिंग। ठीक है, टेक्स्ट डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटिंग द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। नाउ दीज आर द थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू, अपने पास वर्ड्स कोड्स बना करके इसके रखो। हाउएवर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड करेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। सेकेंड पार्ट जिसमें पूछा गया था कि वो अपने मैजिक के साथ बाद में क्या करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इसी का ही हम लोग सॉल्यूशन देखो एक बार देख लेते हैं कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ही हैज डार्कन्ड द ब्लेजिंग सन एट नून, रेज्ड द अनरूली विंड्स एंड सन सेट द सन सी ग्रीन एंड ब्लू स्काई स्ट्राइप। ये तुम लोग आपने जो प्रोस्पेरो की खुद की साली लकवी थी, मोनोलॉग था उसका एकदम बिगनिंग में, ये उसी में यू विल फाइंड कि उसी में ये सारी चीजें दी हुई है। ही हैज कॉज्ड द क्रैशिंग थंडर टू फ्लैश फायर, स्प्लिट ओपन द ओक सेक्रेड टू जोव विद हिज ओन थंडरबोल्ट। तो ये भी उसके मोनोलॉग में आपको मिल जाएगा। फिर ही हैज कॉज्ड द रॉकी शोर्स टू क्वेक एंड पुल्ड अप द पाइन्स एंड सिडार बाय द रूट्स। ओके, मतलब ये सारे पॉइंट्स यू विल गेट इट। और उसने बोला कि उसके कमांड पर ग्रेव्स हैव वोकन द डेड, ओपन्ड एंड रिलीज्ड देम इनटू द लिविंग वर्ल्ड। फिर प्रस्पेरो कहता है कि वो सोलमली रिनाउंसेस हिज मैजिक एंड सेज दैट ही विल नाउ ब्रेक हिज मैजिक, कि अब वो उसको छोड़ देगा, मैजिक वॉन्ड को तोड़ देगा। बरी इट इन द अर्थ, ही वुड सिंक हिज मैजिक बुक्स टू द डेप्थ ऑफ द ओशन। वो प्लूमेट साउंड था, वो इसी का ही हिस्सा था जिसमें वो कहते हैं कि मैं उसको इतना नीचे तक डेप्थ तक रख दूंगा अपने मैजिक बुक्स को। तो दीज वर द पॉइंट्स यू वर सपोज टू राइट। और ये उसी के ही जो मोनोलॉग दिया हुआ है एकदम बिगनिंग में, उसी में यू विल फाइंड दीज पॉइंट्स। ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हिस्सा इसका क्या कहता है, कहाँ गया नेक्स्ट हिस्सा। हाँ, देन नेक्स्ट वन इज नाउ दीज आर द लॉन्गर आंसर्स ऑफ 10 10 मार्क्स। सबसे पहले दिया हुआ है कि विद क्लोज रेफरेंस टू एक्ट 5 एग्जामिन, देखो कि कैसे शेक्सपियर जो है ही प्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन एट द एंड ऑफ द प्ले, कि वो कैसे फॉरगिवनेस और रिकंसिलिएशन, ये हमने आपको पहले बहुत बार बताया है कि वेन एवर ही मीट्स डंकन कह रहे हैं अलोंसो एंड गोंजालो, इन सबसे जब वो मिलता है तो उस टाइम पर वो उनसे ही एम्ब्रेसेस देम। ठीक है, और इसी इसी से पता चलता है, वो अपने शब्दों में ये भी बोलता है दैट वर्च्यू इज बेटर देन वेंजेंस, तो ये भी उसी का ही हिस्सा आता है। तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ दिस। पार्ट ए था इसका, द आइडिया ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन जो था वो आंसर स्क्रिप्ट में आया ही नहीं। कई सारे कैंडिडेट्स ने ये लिखा कि प्रोस्पेरो ने उसके एनिमीज को माफ कर दिया। यूनियन ऑफ मिरांडा एंड फर्डिनेंड वॉज नॉट टच्ड अपॉन, क्योंकि ये भी उसी का ही एक हिस्सा था। नॉट डिड द कैंडिडेट्स एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ प्रोस्पेरो ब्रिंगिंग इन ऑल द कैरेक्टर्स कैलिबान, उसके फेलो कॉन्स्पिरेटर्स बोट्सवेन एंड हिज क्रू एट द एंड ऑफ द प्ले। मोस्ट कैंडिडेट्स रोट कि प्रोस्पेरो रियलाइज्ड दैट फॉरगिवनेस इज बेटर देन वर्च्यू इज अ बेटर वर्च्यू देन वेंजेंस एंड फॉरगिव हिज एनिमीज अवॉइडिंग पर्टिकुलर डिटेल्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट।
जिसमें आपको वो टेक्स्ट के वो सारी लाइंस रखनी है कि कम गोंजालो आई विल एम्ब्रेस यू। अलोंसो के लिए भी उसने ऐसे ही कुछ बोला था। फिर स्पेसिफिक एंड फाइन डिटेल्स ऑफ रिकंसिलिएशन वर एब्सेंट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है, डोंट रिलाय ऑन समरीज एंड दुनिया भर का हेयर एंड देयर। सबसे पहले मेन इज योर टेक्स्ट बुक, इट इज योर पार्ट, वो समझ जाओगे आप, उसको लर्न कर लोगे ना, उसके टेक्स्ट या उसके कोड समझ जाएंगे, थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू। इवन मेनी कैंडिडेट्स डिड नॉट मेंशन कि प्रस्पेरो ने कैसे कैलिबान, स्टीफेनो और ट्रिंक्यूलो को माफ किया। ओके, तो अब हम लोग इसी का ही एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन मोस्ट सिग्निफिकेंट थीम्स है इसके। कैसे इट सर्फेसेस इन द फाइनल एक्ट, जहां पर प्रस्पेरो सीम्स टू हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द इग्नोबल पैशन ऑफ रिवेंज एंड रिजॉल्व्स टू फॉरगिव हिज एनिमीज इफ दे रिपेंट देयर रॉन्ग डूइंग। और क्योंकि वो अपना वो पश्चाताप कर रहे थे, इसलिए प्रस्पेरो ने रिवेंज को साइड में रख करके उनसे सुलह करने के लिए उनको माफ कर दिया था। एरियल डिस्क्राइब्स टू प्रस्पेरो की प्रस्पेरो के जो एनिमीज है वो उसकी मर्सी पे हैं, दे कैन नॉट बज टिल ही रिलीजेस देम। एरियल इन हिज अनएक्सपेक्टेड कंपैशन जो है वो ये डिस्क्राइब करता है, द कंडीशन ऑफ एनिमीज हु अबाइड ऑल थ्री डिस्ट्रैक्टेड, द अदर्स आर ब्रिमफुल ऑफ सॉरो एंड डिसमे। मतलब कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, दे आर नॉट इन द कंडीशन कि उनसे कोई बात भी करे, वहां पर बहुत ज्यादा सॉरोफुल है। ही एक्सपेक्ट एरियल एक्सपेक्ट प्रस्पेरो टू एग्जिबिट पैशन कंपैशन आफ्टर हियरिंग अबाउट देयर पैथेटिक कंडीशन, जहां पर एरियल खुद भी बोलता है कि अगर मैं ह्यूमन बींग होता तो मैं भी बहुत ज्यादा काइंडनेस शो करता। तो प्रस्पेरो इन रिप्लाई टू हिम सेज कि ओके आई ऑल्सो फील द सेम थिंग्स जैसे कि तुम फील कर रहे हो, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ओके, फिर प्रस्पेरो देन मेक्स एक बहुत पावरफुल स्पीच लगाता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू ना, ही एडमिट्स हिज एंगर एट देयर रॉन्ग डूइंग एंड वो कहता है कि वो उसको फॉरगिव कर देगा अगर वो लोग पछता रहे हैं, अपने कर्मों से पछता रहे हैं तो। येट विद माई नोबलर रीजन अगेंस्ट माई फ्यूरी डू आई टेक पार्ट, द रियरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। तो वो यही चीज बोलता है कि अच्छाई करना इज बेटर, माफ करना इज बेटर दैन टू टेक रिवेंज ओवर इट। Having resorted their senses, जब वो आते हैं, he pardons each of them, जब वो अपने senses में वापस आते हैं जहां पर Prospero होता है, तो वो Prospero सबको माफ कर देता है। Alonso, being truly repentant, thy dukedom I resign and do entreat, thou pardon me my wrongs, is granted unconditional forgiveness। अब इसमें ये देखो, यही वाली लाइन थी, let me embrace thine age, whose honor cannot be measured or confined। तो ये चीजें आपको उसमें mention करनी होती है। Literature, no doubt, is not about learning, but ये अगर आप बार बार read करोगे आपको ऐसे ही ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर सेबेस्टियन और एंटोनियो आते हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है फॉर देयर स्कीमिंग बिहेवियर, की हर जगह वो लोग बस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। एंटोनियो इज सेंसर्ड एंड देन गिवन फॉर, मतलब एंटोनियो को कह सकते हो कि एक तरीके से उसको डांटा जाता है और उसके बाद बोला जाता है, फॉर यू मोस्ट विकेड सर हुम टू कॉल ब्रदर वुड इवन इन्फेक्ट माई माउथ। कि यहाँ पर भी उसने एंटोनियो के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं बोला है, बट हाँ ये बोला है कि तुम बिल्कुल भाई कहलाने लायक नहीं हो। प्रस्पेरो ऑल्सो पार्डन्स कैलिबान एंड बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको भी माफ करता है, उसने ऑलरेडी पनिश कर दिया था उनको फॉर देयर ऑडेसिटी इन द प्रीवियस एक्ट। कैलिबान इज गिवन द टास्क ऑफ टाइडिंग हिज सेल बिफोर कैलिबान कैन एक्सपेक्ट हिज पार्डन। कि कैलिबान को वो बोलता है, ये शायद आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा कि कैलिबान को उसने क्या टास्क दिया था, तो उसने उसको बोला था कि जाओ मेरे सेल को साफ कर दो, ठीक है। तो ये दिस वॉज योर पार्ट ऑफ, और ये देख लो दिस इज अ क्वाइट लॉन्ग आंसर, तो इट विल एक्सटेंड फ्रॉम 2 to 2.5 पेजेस। देन नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अ पार्ट ऑफ ये वाला मैजिक वाला, इसमें लिखा हुआ है दैट मैजिक इज यूज्ड टू मैनिपुलेट इंटिमिडेट एंड अमेज द वेरियस कैरेक्टर्स इन द प्ले। अब यहां पर अभी इस
लास्ट ईयर मैजिक आया था, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर म्यूजिक एज वेल। एलिमेंट्स तो होते ही हैं। गिव योर व्यूज ऑन दिस स्टेटमेंट बाय रेफरिंग एनी टू एग्जाम्पल्स जो आपने इसके बारे में समझे हो फ्रॉम द एक्ट स्टडी। जितने 3, 4, 5 एक्ट आपके कोर्स में थे उससे रिलेटेड जितना भी ये म्यूजिक वाला सीन था दैट यू आर सपोज टू टेल। ओके, तो इसमें देखो इसका एनालिसिस क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया होता है दैट इंस्टेंसेस ऑफ प्रोस्पेरोस मैजिक वर गिवन बट हाउ ही यूज्ड हिज मैजिक टू अमेज इंटिमिडेट मैनिपुलेट जो था वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। सम ऑफ द कैंडिडेट डिड नॉट एक्सप्लेन द अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ बैंक्वेट अमेज्ड अलोंसो एंड हिज कंपेनियंस। जो भी किसका हिस्सा था वो भी उसके मैजिक का ही हिस्सा था, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई थी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द आंसर की दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हिम। तो इसमें आता है कैंडिडेट कैन रेफर टू द हार्पी सीन, यही वाले तो है। यस, कैंडिडेट पूरा हार्पी सीन शो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी मैजिक शो किया गया था। मास्क वॉज गिवन, ठीक है। द मैनर इन विच कैलिबान और उसके कंपेनियंस आर मिसलेड बाय एरियल कैन बी टेकन। द मैनर इन विच द हाउंड्स वर सेट ऑन देम, ये भी उसी का हिस्सा है। कैंडिडेट्स मस्ट डिस्क्राइब द एक्ट्स चूजन एंड शो हाउ द मैजिकल एक्ट्स मैनिपुलेट एंड इंटिमिडेट एंड अमेज कैरेक्टर्स। देखो अब इसमें बोला गया था कोई भी दो एक्ट्स के बारे में, कोई भी दो सीन्स या हिस्से बताने, तो 5-5 मार्क्स के आप दोनों चीजों को कंसिडर करो। अगेन फिर वो कैसे जाएगा आपका, 1.5 पेजेस 1.5 पेजेस जाएगा। तो नॉट मैक्सिमम आई वुड से कि 2.5 पेजेस इसके लिए इनफ होंगे। फिर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे इसमें, तो सबसे पहले इस हार्पी सीन, हार्पी सीन में कहा गया कि अपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ द बैंक्वेट द अपियरेंस ऑफ द हार्पी और उसके वर्ड्स ऑफ वार्निंग जो थे जो 3 मैन ऑफ सिन को थे, मतलब बताया गया था इनएबिलिटी ऑफ सेबेस्टियन एंड एंटोनियो टू यूज देयर सॉर्ड्स भी इसी का ही हिस्सा है, ठीक है। फिर वुड फ्राइटन अलोंसो एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। फिर नेक्स्ट, मतलब दिस इज द होल ऑफ हार्पी सीन, द स्पेक्टिकल ऑफ बैंक्वेट अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग वुड अमेज देम। अलोंसो टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंटोनियो एंड सेबेस्टियन आर इंटिमिडेटेड बाय दिस इंसिडेंट विच इज रॉट बाय प्रोस्पेरोज मैजिक दे आर मैनिपुलेटेड टू रियलाइज देयर सिंस, ठीक है। तो ये इसी का ही हिस्सा था दैट यू हैव टू स्टडी। डिटेल इसकी पढ़नी है तो यू कैन गो एंड चेक द टेम्पेस्ट की प्लेलिस्ट, जहां पर हमने बहुत ही तरीके से पूरी फुर्सत से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। बट इसके कुछ एक और इसके पॉइंट है, ये जो सजेशंस जो आपको पढ़ने चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्ट्स और सीन्स जो है इट शुड बी रेड एंड डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स इफ यू फाइंड नेसेसरी। इंपॉर्टेंट लाइंस जो है उनको हाईलाइट कर दो, उसकी सिग्निफिकेंस को अपने पास ही उसको कहीं लिख करके रख लो कि ओके एज पार्ट ऑफ फॉरगिवनेस फ्रॉम प्रस्पेरो टू द सिनर्स ये पॉइंट्स बोले गए थे। लेट मी एम्ब्रेस दाइन एज, किसने बोला था, प्रोस्पेरो टू अलोंसो, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही उसने गोंजेलो को दिया था, यू आर मोस्ट ऑनरेबल। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग लिख लोगे ना आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ईच एक्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। एक्ट 5 आई हैव सीन कि बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत कम उसको वेटेज दिया है। सरी लक्विज शुड बी गिवेन ड्यू इम्पोर्टेंस, भाई आप जो ये मोनोलॉग्स होते हैं उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन आस्क्ड एंड रेफर टू द पार्ट्स रेलेवेंट पार्ट्स ऑफ द प्ले कि कहाँ कहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया, वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी ट्रेन की प्रॉपर वेटेज दो टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, जितनी चीजें पूछी गई हैं उसको बराबर का हिस्सा यू शुड बी गिवन। देन स्टूडेंट शुड बी गाइडेड टू आंसर द क्वेश्चन इफेक्टिवली एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक
पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स और जनरलाइज्ड आंसर्स। स्टूडेंट्स को बोलो मतलब यू नीड टू नो कि आपके पास जो है ये सारी टेक्सुअल डिटेल्स होनी चाहिए, इसकी टेक्स्ट शुड बी देयर, उसके रेफरेंसेस होने चाहिए, जनरलाइज्ड आंसर्स और डिटेल्स। हमने देखा है कि लिटरेचर में बहुत समरी समरी दुनिया भर की चीजें, ऐसी ऐसी चीजें लिखी जाती हैं जो शायद टेक्स्ट में है भी नहीं, शेक्सपियर ने बनाई भी नहीं है, उसके बावजूद वो सारी चीजें लिख दी जाती हैं। फिर स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द एक्ट सीन वाइज एंड डेवलप क्रिटिकल इनसाइट, मतलब उसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। व्हाइल टीचिंग टेक्स्ट द मेजर थीम्स जो है वो एम्फेसाइज करनी चाहिए, एंड स्टूडेंट शुड बी टॉट टू ट्रेस द थीम्स थ्रू द प्ले, कि आपको ये समझना चाहिए कि वो थीम्स कहाँ कहाँ पर यूज हुई हैं। जैसे फॉरगिवनेस जो है वो हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में यूज हुआ है, मैजिक हैज बीन यूज थ्रू आउट द प्ले। देन एनकरेज द स्टूडेंट्स टू हैव अ क्लोज नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट विच हेल्प देम इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, ये तो आपको पता ही है, यू शुड रीड द टेक्स्ट। उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस शुड बी देयर, इंटरैक्टिव सेशंस का अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट इन क्लासरूम। देन स्टूडेंट शुड बी टॉट टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करो। ओके, तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सिंगिंग लेसन दैट वी विल स्टडी, क्योंकि बाकी दोनों तो आपके सिलेबस में है नहीं, ये साउंड मशीन और टू बिल्ड अ फायर नहीं है। हाँ, बी वर्ड्सवर्थ है, दैट वी विल स्टडी। तो स्टोरी और पोयम को वी विल बी टेकिंग टूगेदर। उसके बाद इज द पार्ट ऑफ बर्चेज इज देयर, डार्कलिंग थ्रश इज देयर एंड डोवर बीच इज देयर, क्रॉसिंग द बार इज नॉट देयर। तो ये सारी चीजें वी विल डिस्कस इन द थर्ड पार्ट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, मोर इज कमिंग फॉर यू ऑल, जस्ट वेट। ठीक है, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।